रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ों को आदाब, छोटों को हेलो। ये जी हम बना रहे हैं आज मटर, मटर का सालन। तो इसमें प्याज और मसाला डाल दिया है और अभी मसाले को भुनाई हो रही है मसाले की। और मटर हमारे पास पिछले सीज़न के अपने ही खेत के रखे हुए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो 2-3 घंटे पहले हमने भिगो दिए थे। ये हैं जी मटर सूखे हुए, तो इसका सालन आपको दिखाएंगे जी किस तरीके से बनता है और कैसा टेस्ट आता है। क्योंकि तो ज़मीनों का एरिया होता है, आसपास दुकानें ज़्यादा करीब नहीं होती, चारों तरफ तकरीबन समझ लें आप ज़मीनें ही ज़मीनें होती हैं, घर वगैरह नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। तो इस किस्म के ही आइटम हमें अपने पास रखने पड़ते हैं ताकि वो खाने बनाने में कोई टेंशन इतनी ना हो, हमें वो बन जाए। जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो फिर लानी पड़ती है। मैं जैसे ही अगला प्रोसेस शुरू होता है फिर आपसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसमें जी टमाटर डाल दिए, टमाटर नरम होंगे को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। टमाटर भी डालें, अभी सख्त है, थोड़ी सी तो भाप लगेगी तो ये नरम हो जाएंगे। ये देखिए जी मसाला जो है भुनने की तरफ है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मिलाते रहेंगे और उसकी बुनाई करते रहेंगे। अभी आपको इसमें टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे। इसी तरह जो है इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बुनाई करते रहेंगे ताकि मसाले जो है अच्छी तरह घुल जाएँ, पक जाए। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें जो है हम मटर डालेंगे। ये हैं मटर, ये हैं सूखे हुए मटर जो हमने 2-3 घंटे पहले, 2 घंटे हुए होंगे हमने ये भिगो दिए थे। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, उसके बाद इसको जो भी करते हैं आपको बताते हैं, साथ साथ मैं वीडियो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये देखिए जी इसकी बुनाई थोड़ी सी करेंगे, उसके बाद पानी डाल के छोड़ेंगे, ढक्कन ढक देंगे, तो फिर आपको बताता हूँ आगे जो भी प्रोसीजर होगा। यदि सालन बन रहा है तो रोटियों के लिए आटा छान लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं। ये आटा निकाल लिया, अब इसमें डालते हैं नमक, नमक डाल दिए। अब इसकी करते हैं बुनाई, आटे को भूनते हैं। ये देखेंगे मटर के साथ भी बुनाई हो गई है मसाले की। ये घी भी छोड़ दिया मसाले ने, ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें जो है हम पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इतना बहुत है पानी। ये होती है जी निशानी कि मसाला आपका अच्छी तरह भुना हुआ हो। तो आप देख रहे हैं कलर सालन का भी, ऊपर तरी देखें। तो मसाले को आप कुछ भी, कोई भी सालन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर फोकस जो है ना आप मसाले के ऊपर रखा करें। जितना मसाला अच्छे से पकेगा, बुनाई अच्छी होगी, उतना ही टेस्ट आएगा खाने में आपके। अब इसको ढक देते हैं जी, फिर बाद में कंटिन्यू इतने आटा गूंथते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएगा।
हाँ सारे जो है उधर लगे हुए हैं ज़मीन में। मैंने आपको इससे पहले वीडियो आपने देखी होगी ज़मीन में। तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने कहा जी मैं सालन बनाता हूँ, आप लोग यहाँ का खेत का काम निपटा लो। तो वो लोग खेत का काम निपटा रहे हैं इंशाल्लाह, इतने में हम ये सालन का काम भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ये रोटी तैयार हो रही है। रनावा ले आंदे पक्कन परोठे ते छड़ियां दी अग न बले। ओए होए ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਲਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੱਚੀ ਹੈ ਆ ਤਾਂ, ਕੱਚੀ ਹੈ ਪਕਾ ਲਾ। ये जी इस तरीके से सारी रोटियां तैयार होंगी। ये जी हमारा माशाल्लाह से सालन भी रेडी हो गया। लाजवाब लाजवाब, तरी देख रहे हैं कैसे आ रही है ऊपर, बनाया ज़रा शोरबे वाला। धनिया इसमें डाला है वाफिर। अभी इसमें सिर्फ 5 मिनट और, उसके बाद अपना सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें, चक्कर से वीडियो पछाइए किसी तरीके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये सालन तैयार हो गया और अब ये खाने का टाइम है, तो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।